हेलो एवरीवन, क्या आप सब भी बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे पीछे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जेके ग्रामीण बैंक जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक की तरफ से 132 वैकेंसीज अनाउंस हुई है प्रोबेशनरी ऑफिसर स्केल 1 एंड क्लर्क के लिए। आप सभी इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं जिसकी लास्ट डेट है 27 जून 2024। इस वीडियो में आप हम बात करेंगे कि किस तरह इस रिक्रूटमेंट का फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या इसमें कंडीशंस है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारा कुछ। तो वन बाय वन सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है, सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसका रिजल्ट आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आ जाना चाहिए। उसके बाद क्लर्क के फॉर्म निकले हैं और पीओ के फॉर्म निकले हैं। क्लर्क की एज लिमिट जो रहती है वो रहती है 28 ईयर्स, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और प्रोबेशनरी ऑफिसर की रहती है 30 ईयर्स। यानी कि अगर आप 28 साल से छोटे हैं तो आप क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं। पीओ के फॉर्म भरने की एज है 30 ईयर्स। अगर आप 28 से बड़े हैं, 28 से आपकी एज ज्यादा है, तो सिर्फ आप पीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। काफी सारे बच्चे पूछते हैं सर गर्ल्स भी बैंक का फॉर्म भर सकते हैं, तो साथियों आप सभी चाहे बॉयज एंड गर्ल्स हैं आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें बैंकिंग के दो एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। सबसे पहला प्रीलिम्स, जो कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। प्रीलिम्स आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए भी होगा, क्लर्क के लिए भी होगा। मेंस एग्जाम होगा जो प्री पास करेंगे। प्रीलिम्स में आपकी स्पीड चेक की जाती है, मेंस असली पेपर आपका मेंस है। मेंस के लिए फिर एलिजिबल होंगे आप अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आप लगा लो इसका एग्जाम अगस्त तक, प्रीलिम्स इसका हो जाएगा। मेंस एग्जाम जो है वो भी प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए भी है और क्लर्क के लिए। लेकिन क्लर्क की वैकेंसीज के लिए, क्लर्क की रिक्रूटमेंट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ पेपर आपको पास करना है मेंस और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर आप पीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीओ का फॉर्म भी भरना चाहते हैं, तो आप सबका इंटरव्यू भी होगा मेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। यानी कि क्लर्क का दो ही स्टेज है, प्री और मेंस। प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए स्केल 1 के लिए आपका प्री भी रहेगा, मेंस भी रहेगा, इंटरव्यू भी रहेगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसकी तैयारी कैसे करें, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट के फ्रेश बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं। हर एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं, नंबर आपके सामने दिया है। इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे हैं तो डायरेक्टली मैसेज करिए हमारे अकाउंट पे करियर सक्सेस जम्मू नाम से। यूट्यूब से देख रहे हैं अगर तो आप सीधा कॉल कर सकते हैं। विजिट करें करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट अपोजिट साइंस कॉलेज किनार रोड जम्मू। फ्रेश बैच स्टार्ट किया जा रहा है 12 से लेकर 3 बजे का नेक्स्ट वीक। इस वीक इसके एडमिशन चल रही है, तो कोई भी आपका एग्जाम है आप उसके लिए एलिजिबल है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सिलेबस की। जो सिलेबस एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा या ऑलरेडी फिक्स है, पिछले कितने सालों से यही सिलेबस आ रहा है, यही बच्चे पढ़ रहे हैं और यही पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसे ही करना है। अब आप चाहे पीओ का फॉर्म भरे, चाहे आप क्लर्क का फॉर्म भरे, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब आप प्रीलिम एग्जाम देंगे, प्रीलिम एग्जाम में सिर्फ दो ही सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, मैथ और रीजनिंग। इस पूरे नोटिफिकेशन, जो इसका नोटिफिकेशन आया है, उसका अलग से एक वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल सर्च करिए, वहां आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी हमने अपलोड किया था। प्रीलिम एग्जाम के लिए सिर्फ आपको ये दो ही सब्जेक्ट्स आएंगे जिसमें मैंने पी लिखा है, ये प्रीलिम के लिए है, पीओ भी और क्लर्क की। लेकिन जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे, मेंस एग्जाम में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब आपका मैथ रीजनिंग रेडी हो गया प्री के लिए और मेंस के लिए, तो इंग्लिश कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है। लेकिन तैयारी जब आप शुरू करें बैंकिंग की, इस साल और भी फॉर्म निकलने वाले हैं, आप एक कंबाइंड प्रिपरेशन करिए जिसमें आप सभी सब्जेक्ट साथ साथ में पढ़िए। ऐसा नहीं कि जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाए फिर आप मेंस की तैयारी करें, उसमें 1-1.5 महीने से ज्यादा टाइम बचेगा नहीं और 1-1.5 महीने में 3 सब्जेक्ट्स आप नहीं पढ़ पाएंगे, राइट। तो ये था आज का लेटेस्ट वीडियो आप सबके लिए। आई होप आप भी जो भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या इस एज लिमिट के अंदर फॉल करते हैं, आप सभी इस एग्जाम के लिए हर साल वेट करते हैं कि फॉर्म निकले, आप तैयारी भी कर सकते हैं और इस फॉर्म को भरिए। 27 जून 2024 इसकी लास्ट डेट है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप में से कौन कौन सा कैंडिडेट प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए एलिजिबल है और तैयारी करेगा और क्लर्क के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।